आपको दिखाऊंगी बनाना फेस मास्क। बनाना में इतने सारे विटामिन होते हैं, ये इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन ई होता है, जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टर का काम करता है विटामिन ई। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है, बनाना एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये जो गुण होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए, बनाना हमारे पेट के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है। इसके अलावा ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस मास्क भी बन सकता है बनाना से। तो आज ट्राई करते हैं बनाना फेस मास्क। चलिए, केला और दही आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, आपके स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर एक केले में, एक बनाना में अगर आप 2 छोटे चम्मच दही ऐड करें और इसका एक अच्छा सा फेस मास्क तैयार कर लें और इसको अगर आप अपने स्किन पे लगाएं, तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करके स्वस्थ रखता है। और इसके अलावा ये जो ब्लेमिशेस होते हैं और एंटी टैनिंग का भी काम करता है। यूँ तो बनाना के कई फेस पैक बन सकते हैं, कई फेस पैक तैयार हो सकते हैं, पर आज जो फेस पैक मैं आपको बना के दिखाऊंगी, जो फेस मास्क मैं आपको बना के दिखाऊंगी, उसके लिए मुझे चाहिए एक बनाना, एक राइप बनाना यानी कि पका हुआ केला, और उसमें मैं मिलाऊंगी शहद और नींबू का रस। अपना फेस पैक तैयार करने के लिए मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बनाना, लेमन जूस और शहद मैंने ले लिया है। अब इन तीनों को मैं मिक्स करूंगी और एक स्मूथ फेस पैक बनाऊंगी। इन तीनों को मैश करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम बनाना, इसको पहले अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ। जब भी फेशियल करें या स्किन पे कोई फेस पैक लगाएं, आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अपने हाथों को पहले ठीक से धो लीजिए या आप अगर चाहें तो ग्लव्स पहन लीजिए और उसके बाद इस पेस्ट को तैयार करें। कोई भी फेस पैक, कोई भी आप अपने फेस पे फेशियल करते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अब मैं मिलाऊंगी शहद। मैंने जितनी मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। अब मैं मिलाऊंगी लेमन जूस, ये मेरा लेमन जूस है, थोड़ा सा मिला दिया है मैंने लेमन जूस। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लम्प्स देख रहे हैं आप, लम्प्स ना रहे, और अगर छोटे छोटे लम्प्स भी रह जाते हैं कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया है बनाना, शहद और नींबू का जूस का एक फेस मास्क या फेस पैक आप कह लीजिए। इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और इससे मैं अपने चेहरे को, अपने स्किन को मसाज करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लूं, बांध लूं। Forehead, माथे पे।
कम से कम 10 टू 15 मिनट्स तक आप ऐसे फेशियल करिए, मसाज करिए। थोड़ा स्टिकी है, चिपचिपा है, पर कोई बात नहीं, इसको हम बाद में वॉश तो कर ही लेंगे। और फेशियल कभी भी आप ऐसे मत करिए, डाउनवर्ड्स नहीं, हमेशा अपवर्ड्स, इस तरह से अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। हल्के हाथों से आप फेशियल करते रहिए 10 टू 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट तक आप हल्के हाथों से ऐसे फेशियल करते रहिए, जब तक कि ये आपके स्किन के अंदर तक ना चला जाए। हे फ्रेंड्स, ये जो फेस मास्क मैंने बनाया था केला शहद और नींबू से, इसको मैंने अपने जो स्किन पे लगाया था, इसे मैंने मुझे लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसे और 10 मिनट मैं रखूँगी और उसके बाद मैं ठंडे पानी से धो लूँगी। ये काफ़ी चिपचिपा सा हो गया है और ये इसको मैं तब तक रखूँगी जब तक ये मेरे जो है पोर्स में अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। उसके बाद ठंडे पानी से, एक नॉर्मल पानी से मैं अपने फेस को धो लूँगी। और ये काफ़ी सूख गया है, मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा सा वॉश करने का टाइम आ गया है। जब आप वॉश करें तो हल्के हाथों से यूं मसाज भी करते रहें, इस तरह से। कोई भी फेशियल अगर आप लगाते हैं तो अगर आप उसको अगर साफ कर रहे हो, धो रहे हो, कोई भी फेशियल, कोई भी फेस पैक, कोई भी फेस मास्क अगर आप लगाते हैं तो उसको अगर आप साफ करने लगे हैं, धोने लगे हैं, तो आप साथ में इस तरह से फेशियल भी करते रहिए, इस तरह से मसाज भी करते रहिए। और आंखों के अगर आसपास करना हो तो ये दो उंगलियां, इनसे आप हल्के हाथों से यू मसाज करते रहिए, इस तरह से। बनाने के जो पल्प होता है वो चिपक जाता है स्किन पे, तो उसको आप ठीक से साफ कर लीजिए। आप अपने स्किन को तब तक धोते रहिए जब तक कि वो फेस पैक या कोई भी फेस मास्क आपके स्किन से ठीक से उतर नहीं जाता। इसको पूरी तरह साफ करना जरूरी है। इसको अपने एक साफ कपड़े से, एक साफ टॉवल से इसको मैं अपने स्किन को पोंछ लेती हूँ। अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ा सा चिपचिपाहट वॉश करने के बाद भी अगर थोड़ा सा चिपचिपाहट, स्टिकीनेस अगर रह जाए तो कोई बात नहीं, आप अपने फेस को, अपने स्किन को फिर से और अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। क्योंकि इस पे हमने यूज़ किया था बनाना और साथ में मिलाया था शहद, तो ये दोनों ही जो हैं बहुत चिपचिपे हैं, बहुत स्टिकी होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ठीक से वॉश कर लीजिए और उसके बाद अपने चेहरे पर निखार देखिए। Not bad.